एवरीबॉडी, इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आज, एंड बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक्स में सबसे पहले जो छोटी सी बात आपने सीखनी है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में किन किन चीजों का यूज होता है। तो इफ आई टेल यू सीरियसली, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर इन शब्दों के बारे में कुछ नहीं पता तो वही आप सीखने बैठे हो, सो नो प्रॉब्लम्स। बस ये वर्ड पकड़ना है आपने कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो अभी का टॉपिक रहेगा दैट विल बी सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वन बाय वन हम चलेंगे आगे तो फिर आपको क्लैरिटी पड़ेगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट को हम कई तरीकों से समझ सकते हैं, तो वन बाय वन मेरी बुक भी है आपके पास, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली चलूंगी, जिससे कि आप पढ़े तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल जैसे सिखा रही हूँ वैसे ही करिएगा तो बहुत ज्यादा नाइस परफॉर्मेंस आ जाएगा। और सिर्फ इस एक लेक्चर से ही बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लग जाएगा आपको, क्योंकि जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है जो मैं अभी देने जा रही हूं, दे विल फील ग्रेट कि अरे वाह, इस तरह के तो सेंटेंसेस अभी से ही बनाने आ गए, मजा आ गया आज तो। यू नो दिस टाइप ऑफ थिंग विल हैपन विद यू। तो चलते हैं वन बाय वन कि सब्जेक्ट को कैसे हम समझते हैं, क्या है ये सब्जेक्ट। और इसमें सबसे पहले वो कहता है जो काम करे वो सब्जेक्ट है, जिसको आप बोलते हो ना कर्ता, हिंदी में अगर आप बोलते हो तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला जी राम जाता है तो कौन काम करता है, राम, तो राम सब्जेक्ट है। श्याम ने मेरे से बात की, किसने बात की, श्याम ने, तो श्याम सब्जेक्ट है, तो श्याम से ही स्टार्ट होगा। राधा ने उससे पूछा तो राधा सब्जेक्ट होगा। मोहन मार्केट से सामान लेके तो आया था तो मोहन सब्जेक्ट होगा। क्या कह रहे थे आप उससे, क्या कह रहे थे आप उससे, काम कौन कर रहा था, आप, तो आप सब्जेक्ट होगा। मैंने नहीं कहा, ठीक है, मैंने कहा, किसने, मैंने, तो मैंने सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है कैसे भी सेंटेंस को बोले, कोई भी हिंदी में वर्ड आगे पीछे करके बोले, जो स्टार्टिंग में बोला वो सब्जेक्ट होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसने काम किया वो सब्जेक्ट, अगर काम करने की बात हो रही है तो फटाफट सेंटेंस में ढूंढो काम किसने किया, वही सब्जेक्ट है। आप चुप करिए, आप सब्जेक्ट है, क्योंकि चुप करना कौन, आप, तो आप सब्जेक्ट है। आप सुन रहे हो ना, तो आप सब्जेक्ट है। मैं बोल रहा हूं, मैं सब्जेक्ट है। मैं रमेश से सुरेश के घर जाने के लिए कह रहा था, तो कौन कर रहा था, मैं, क्या कर रहा था, कह रहा था। बाकी ये रमेश सुरेश जितने भी नाम बोले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन, जो काम करे वो सब्जेक्ट, तो उसी से ही सेंटेंस शुरू होगा इस केस में। आई होप ये समझ आया कि लाइन में, हिंदी की लाइन में जो काम करे अगर हम वो बात करें तो वो सब्जेक्ट है और उसी से ही सेंटेंस शुरू होगा, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे जिसमें क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप, कहाँ गए थे, किसने कहा, ए सब नहीं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। राम ने श्याम से एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको मार्केट जाने को कहा, तू बहुत पढ़ता है भाई, तो ये जो आपने बोला तू बहुत पढ़ता है, तो तू, यू स्टडी अलॉट, मैं मार्केट नहीं जाता कभी भी अकेले, ओके, तो मैं कभी नहीं जाता, आई डू नॉट गो, आई से स्टार्ट करेंगे। अरे रमेश तो 10 घंटे पढ़ता है, रमेश स्टडीज,
आगे तो बनता ही रहेगा धीरे धीरे, वो तो सीख ही जाएंगे आप। फिलहाल ये सोचिए कि स्टार्ट किससे करना है। स्टार्ट उससे करना है जो काम कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट है। तो जिन सेंटेंसेस में काम करने की बात हो रही है उसमें जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। दिस इज अ सिंपल फैक्ट। मैंने उसको 5 घंटे पढ़ाया कल, उसको सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया, आई टॉट हिम। तो आई टॉट कैसे आया, मैंने सिखाना ही नहीं अभी आपको। अभी आप सिर्फ ये सीखो स्टार्ट किससे करना है। तो आई इज द सब्जेक्ट हियर बिकॉज वो काम कर रहा है। समझ आया? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है कि जो काम करे वो सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला राम गोज टू मार्केट, तो इस मैंने राम से क्यों शुरू किया, इसलिए कि हिंदी में पहले बोला है राम मार्केट जाता है। हम ऐसे भी तो बोल सकते थे मार्केट राम जाता है, तो हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, डजंट मैटर यू नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम कौन कर रहा है उससे शुरू होगा। आई टोल्ड यू, मैंने बताया था तुम्हें, है ना, तुम्हें मैंने बताया था, मैंने तुम्हें बताया था, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। मैंने बताया, मैंने इज द सब्जेक्ट, तो आई से ही सेंटेंस शुरू होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस है जो कुछ हो, इसमें होने की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला राम मेरा भाई है, तो कौन है राम, तो राम से स्टार्ट होगा, राम इज माय ब्रदर। इसमें करने की बात नहीं हो रही है ना, होने की बात हो रही है। तो जिसके होने के बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट। वो बहुत स्मार्ट है, he is very smart। क्यों? क्योंकि उसके होने के बारे में बात हो रही है। अरे वो लेट था भाई, वो है ना, he was late in the class। कहीं भी हमारे को क्या फर्क पड़ता है। हमें असली बात ये सीखनी है कि he से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि उसके होने के बारे में बात कर रहे हैं ना। आई होप समझ आ रहा है कि जो काम करे वो सब्जेक्ट, जो कुछ हो वो सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट केस आता है इसमें, थर्ड केस। बाकी ना धीरे धीरे बहुत अच्छी नॉलेज होती जाएगी आपकी। अभी आप बिल्कुल बच्चे की तरह वैसे पकड़ते चले जाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप किस एज के हो, क्या हो, जिंदगी में कहाँ क्या कर रहे हो, ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एज पे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सीख सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट, जिसके पास कुछ हो। मतलब अभी आप ये सीख रहे हो कि ये पहला वर्ड कैसे आया, बस। मैं ये नहीं सिखा रही है ये कहां से आ गया, वॉस कहां से आ गया, ये टोल्ड कहां से आ गया। आई एम नॉट टीचिंग दैट। मैं आपको सिर्फ पहला वर्ड सिखा रही हूँ कि जो पहला वर्ड है जिससे हम सेंटेंस शुरू करते हैं ये कैसे समझना है। ओके अब जिसके पास कुछ हो, जैसे मेरे पास 2 पेन है ना, कुछ किसके पास है, मेरे पास है। तो आई हैव 2 पेन्स। एक तो ले ले, तेरे को लेना तो है ना, वो आगे की बात है। तो आई हैव 2 पेन्स। उसके पास कार नहीं है, स्कूटर से जाता है ऑफिस, ठीक है, तो उसके पास नहीं है, तो ही हैज नो स्कूटर। ओ चल स्कूटर अब चेंज कर दिया हमने स्टोरी, चेंज अब यही रहेगा, उसके पास कोई स्कूटर नहीं है, ठीक है, तो उसके पास। पॉजिटिव हो, है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, किसके पास है वो सब्जेक्ट है, असली बात ये पड़ रहा। तो जिसके पास है वही सब्जेक्ट है। जैसे मेरे पास है, तुम्हारे पास है, राम के पास है, तो मोहन के पास है। हाँ मेरे पास तुम्हारा पेपर था, है ना, मोहन के पास तुम्हारा पेपर था, तो जिसके पास हो, मोहन हैड योर पेपर। जैसे मैंने बोला मोहन के पास था,
तो मोहन है। अब बात आती है कि ये हैड कहाँ से आ गया। मैं नहीं सिखा रही ना बेटा, अभी मेरा टारगेट अभी वो है ही नहीं है। मेरा टारगेट स्टार्ट कैसे हुआ, बस दैट्स ऑल। आई एम कंसर्न अबाउट ओनली सब्जेक्ट राइट नाउ। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट अदर वर्ड्स जो आगे आ रहे हैं। मेरे को नहीं लेना उससे कुछ, अभी कुछ नहीं सिखाना आपको। अभी मुझे सिर्फ पहले शब्द पे टिकना है, ये कहाँ से आ जाता है, आप कैसे पकड़ लेते हो। तो छोटी सी बात है, पहला जो काम करे, दूसरा जो कुछ हो होने की बात कर रहे हैं, तीसरा जिसके पास कुछ है राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है तरीका, नेक्स्ट तरीका आ जाता है यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप टाइम के होने की बात कर रहे हो या आप मौसम के होने की बात कर रहे हो, वेदर के होने की बात कर रहे हो, जब भी टाइम और मौसम के होने की बात कर रहे हो तो हमेशा सब्जेक्ट इट से स्टार्ट होगा, हमेशा। अरे 10 बज रहे हैं, इट इज 10 o'clock। स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा, इट इज 10 o'clock, मूव फास्ट। तो हमने किसी को बोला, तो हमने किससे शुरू करा, हमने 10 बज रही है 10 से थोड़ा शुरू किया। हिंदी पे तो ध्यान ही नहीं देना ना आपको, तो मेरे रूल्स पे ध्यान देना कि इसमें टाइम की बात कर रही है इसलिए इट। अरे शाम है, बाहर मत जाओ, आपा मना करते हैं, पता है ना आपको। तो अगर किसी ने ऐसा कहा, मम्मी ने ऐसा कहा कि शाम है, तो इट इज इवनिंग। नहीं नहीं उस वक्त तो रात थी जब वो बाहर गया था, तो इट वॉज नाइट। बहुत गर्मी है भाई साहब, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है ना। अब किसकी बात कर रहे हैं, गर्मी मौसम, तो इट इज वेरी हॉट दीस डेज। अब ये आगे कैसे आया, आगे क्यों हम जा ही नहीं रहे ना, हम तो बस ये सीख रहे हैं ये सब्जेक्ट कहां से आ गया। तो वो मैंने सिखाया ना कि जब भी हम टाइम के होने की बात करेंगे या मौसम के होने की बात करेंगे तो हमेशा इट से स्टार्ट करना है, सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा केस आता है उसको समझिए। पांचवा केस है, इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से सिखाऊंगी, ठीक है। बुक में दिया हुआ है मैंने, देयर इज नो फैन इन द रूम। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, तो देयर से शुरू हो रहा है। मतलब अब मैं वो केस ले रही हूं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो देयर बन रहा है। देयर इज नो फैन इन द रूम की हिंदी क्या है? देयर तो आप बोलोगे मैम वहां होता है। लो इसकी हिंदी है, कमरे में कोई पंखा नहीं है, कमरे में कोई फैन नहीं है, रूम में कोई फैन नहीं है। या मैंने बोला जी कमरे में 5 बच्चे हैं, मैंने बोला कमरे में, रूम में 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन। अगर मैंने ऐसे बोला कमरे में 5 बच्चे हैं तो मैं कैसे बोलूंगी देयर आर 5 चिल्ड्रन इन द रूम। फाइव चिल्ड्रन इन द रूम। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें रूल क्या बन रहा है, हम किसी चीज के होने की बात कर रहे हैं, होना या ना होना एक ही बात है। वो कहां है ये बता रहे। मैंने बोला बॉक्स में चॉकलेट्स हैं, ध्यान से देखना ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा आपको ये वाला केस। मैंने बोला बॉक्स में चॉकलेट्स हैं, जिसको मैं कैसे बोलूं, तो देयर आर चॉकलेट्स इन द बॉक्स। देयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आगे कैसे बन रहे वो धीरे धीरे आएगा। देयर आर चॉकलेट्स इन द बॉक्स।
प्रीपोजिशन आ गई इन, इन ऑन एट फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशंस क्या होता है, आ जाएगा धीरे धीरे, बात का टॉपिक है फिलहाल, छोटी सी बात देयर से स्टार्ट हो गए। मैं कैसे सीखूं, आप कोशिश करो ना समझने की ये हो क्या रहा है। हम किसी भी चीज के होने की बात कर रहे हैं, जैसे बॉक्स में चॉकलेट्स, अगर मैं ऐसे बोलूं चॉकलेट्स बॉक्स में है ठीक है, तो फिर ये वैसे नहीं बनेगा, फिर वो देर से शुरू नहीं होगा, क्योंकि फिर चॉकलेट्स की इंपॉर्टेंस है। मैं बोलूं चॉकलेट्स, शॉर्ट में लिखती हूं, चॉकलेट्स जो है वो बॉक्स में है, अगर मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ चॉकलेट्स बॉक्स में है, तो मीनिंग ही चेंज हो गया। हिंदी को सोचो ना, बॉक्स में चॉकलेट्स है, चॉकलेट बॉक्स में है ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। इसको हम सेम टॉप में नहीं बोल रहे होंगे, कुछ भी मजे से बोल दो बॉक्स में चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट बॉक्स में, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते हम। हिंदी बोलते वक्त भी हम ध्यान देते हैं कि बॉक्स में चॉकलेट्स हैं, जैसे अरे चॉकलेट बॉक्स में है, कहाँ ढूंढ रहा है तू, ये अलग चीज है। अरे बॉक्स में चॉकलेट्स हैं, तू कुछ और नहीं रख सकता, देयर इज अ डिफरेंस इन द स्टोरी। ये चीज सिखा रहे हो। तो अगर मैंने बोला चॉकलेट बॉक्स में है बच्चे, तो सारा घर इधर उधर हिला रहा है। तो जब मैंने ये बोला चॉकलेट्स बॉक्स में है, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगी, फिर चॉकलेट्स की इंपॉर्टेंस है, तो मैं क्या बोलूंगी, द चॉकलेट्स आर इन द बॉक्स। अब यहां पे उसके होने की बात हो रही है, जो सेकंड केस था, किसी चीज के होने की बात होती है, तो चॉकलेट्स की बात हो रही है, तो इसलिए फिर इसमें चॉकलेट से शुरू होगा, इसमें सेकंड केस लग रहा है, सेकंड ही था। हाँ, जो कुछ हो, जैसे चॉकलेट्स के होने की बात हो रही है, तो जिसके होने की बात हो रही है फिर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और बॉक्स में चॉकलेट्स है, फिर इसमें चॉकलेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, बॉक्स की इंपॉर्टेंस है। ऐसे सीख सकते हो, सीखना है, समझ आया, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। एक्सरसाइजेस दे रखी है मैंने, उस एक्सरसाइज में मैंने बोला है करेक्ट द सेंटेंसेस, उससे बहुत दिमाग खुलेगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हल्का सा आइडिया दिया मैंने, जैसे कि थोड़ा सा दिमाग खुले आपका। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और केस दिया मैंने सब्जेक्ट का, सिक्स केस, जैसे इसको सेंटेंसेस की हेल्प से सीखिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला बुक से ले रही हूं, कोई नहीं है, अब आप बोलेंगे मैम इसको कैसे बोलूं, कोई कुछ, ये सब चीजों में हमें फिर क्या करना, फिर से देयर उठाना। देखो टाइम और मौसम, इट उठाना, बाकी हर जगह पे जहां समझ में ना आए देयर उठाना है, ये जनरल रूल है, बुक में नहीं लिखा मैंने ऐसे, लेकिन ये मेरी समझ है, जिसको आप पकड़ लें बहुत फायदा होगा। जब आपको सब्जेक्ट ना मिले सोचिए देयर तो नहीं आ रहा, देयर से काम बन रहा है, आप देखेंगे बन रहा है, ऐसे भी नहीं बोला मैंने 99.9, आप देखेंगे बन रहा है, क्योंकि इट टाइम और मौसम के लिए आता है, बाकी देयर है। जैसे मैंने बोला कोई नहीं है, आजा आजा, तो देयर इज नो वन, ऐसा नहीं है कि नहीं वाले सेंटेंसेस में। जैसे मैंने बोला कोई है, यहां कोई है, सो देयर इज समवन हियर, तो फिर वो भी देयर से शुरू किया, तो इसमें जो है ना हमें श्योर नहीं है, इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है, जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है, जैसे कोई ये सब्जेक्ट है, बट इट इज नॉट श्योर कोई क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए फिर देयर, देयर इज नो वन, कुछ है जो तेरे दिमाग में चल रहा है, बता नहीं रहा है तू मुझे, कुछ तो है। अगर मैंने ये बोला कुछ तो है भाई, तो मैं इसको कैसे बोलूं, कुछ के लिए हम बोलते हैं समथिंग, तो मैं बोलूंगी समथिंग इज देयर इन योर माइंड, या फिर मैं क्या बोलूंगी, देयर इज समथिंग इन योर माइंड, देयर इज समथिंग, माइंड भी छोड़िए, मैंने तो हिंदी में भी नहीं बोला, तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैंने क्या बोला, कुछ तो है भाई। तो जब मैंने ये बोला कुछ तो है, तो कुछ के लिए मैं कैसे स्टार्ट करूं, देयर इज समथिंग, फिर से इंडेफिनिट हो गया ना, श्योर नहीं है, तो इसको भी हम देयर से शुरू करेंगे, देयर इज समथिंग। तो जैसे इसमें अब मैंने बोला, अब इसमें एक और लाइन दी हुई है मैंने, अब और कुछ कहने को नहीं है,
अब और कुछ कहने को नहीं है। सोचते जाओ, जब तक मैं लिखती हूं तब तक आपको मौका मिल रहा है। अब और कुछ कहने को नहीं है मेरे पास, या मेरे पास छोड़िए, मैंने बस इतना बोलना है, अब और कुछ कहने को नहीं है। तो किससे स्टार्ट करूं? देर इज नथिंग मोर टू से, है ना? अब आपने कैसे बना दिया? आप भी बना लोगे ना, आप बस स्टार्ट सीखो। नहीं है के लिए इजी आएगा, है ना? अब और कुछ कहने को नहीं है, देयर इज नथिंग मोर, तो देयर से स्टार्ट हुआ। आपने कहा नथिंग मोर से भी बना सकते हैं, आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी देयर तो लगाना पड़ेगा। नथिंग मोर इज देयर टू से, तो आप देयर इज नथिंग मोर बोलो या नथिंग मोर इज देयर बोलो, बोलना तो पड़ेगा। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता और कुछ श्योर नहीं है, तो फिर आप देयर से स्टार्ट करो, आपको देखेंगे बन जाएगा सेंटेंस, ब्यूटीफुल बनेगा। स्टार्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ, जैसे मैंने बोला और कोई रास्ता नहीं है, तो देयर इज नो अदर वे, फिर देयर से आया ना, या नो अदर वे इज देयर, देयर तो आया ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, कैसे स्टार्ट करूं, आप देयर सोचिए, आपका सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा, राइट? उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट केस सब्जेक्ट का। देखिए सब्जेक्ट के कितने तरीके से ढूंढते हैं हम, इजंट इट वंडरफुल? अब इसमें क्या है, जैसे मैं लाइन लिखती हूँ, बुक में लिखी हुई है, चोरी करना बुरा है, चोरी करना बुरा है, अगर मैंने ऐसे बोला, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, तो चोरी करना। तो अगर आप ध्यान से देखो, करना, कुछ करना, तो जब भी कुछ करना आता है ना, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है जो भी करना की बात हो रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म ले लो और उसके साथ आईएनजी लगा दो, या फिर दूसरा तरीका होता है, इसको भी एक ग्रामेटिकल टर्म देते हैं जो मैं सिखा रही हूँ, लेकिन वो अभी नहीं सिखाऊंगी, जब ये टॉपिक आएगा तब सिखाऊंगी, ये एक अलग टॉपिक भी है, अभी नहीं कुछ बोलूंगी, ठीक है? आई कंट्रोल माई सेल्फ, आई डोंट टेल यू एनीथिंग। अभी बस आप इतना सीखो कि करना के लिए दो तरीके से बोले जाता है। एक फर्स्ट फॉर्म उठा लो उसकी, जो भी करने की बात हो रही है, भागना, रोना, बैठना, है ना, खोना, कुछ भी, तो उसका फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ले लो, या फिर उसकी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में। जैसे मैंने बोला जाना, तो जाना के लिए गो होता है ना, जाना के लिए गोइंग होती है, या फिर क्या होता है, टू गो। अरे वहां जाना बहुत आसान है, ऐसे जैसे चोरी करना बुरा है, तो चोरी करने की इंग्लिश आनी चाहिए ना आपको, स्टील ना, इट्स नॉट स्टील, इट इज स्टीलिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी तो लगाना है ना, या फिर टू स्टील, दोनों का मीनिंग यही है, चोरी करना। अब मैंने बोला चोरी करना बुरा है, तो मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, स्टीलिंग इज बैड, स्टीलिंग इज बैड, या फिर इट इज बैड टू स्टील। तो अगर आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले तरीके से करना है तो इट से शुरू करना है, और आपको आईएनजी वाले से करना है तो उसी से शुरू करना है, स्टीलिंग इज बैड। बेटा बातें करना बहुत आसान होता है, ठीक है? करके दिखा। तो अगर मैंने ये बोला बातें करना बहुत आसान है, तो टॉकिंग अबाउट इट इज वेरी इजी, ओके, या इट इज वेरी इजी टू टॉक अबाउट एनीथिंग। तो अगर मैंने बोलना है तो मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ, या तो टॉकिंग या फिर टू टॉक। अगर टॉकिंग से बोलना है तो टॉकिंग से ही शुरू कर दो, टॉकिंग इज वेरी इजी, टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इज डैम इजी, यू नो। और अगर नहीं, टॉकिंग से नहीं करना तो आप इट से कर दो, इट इज वेरी इजी टू टॉक अबाउट एनीथिंग, यू नो, दैट इज वॉट इज द नेक्स्ट तरीका टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट।
समझ आया? क्या समझ आया कि करना अगर आपका है, हम करने के बारे में बात करें, जैसे चोरी करना बुरा है, बातें करना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो कुछ भी करना, तो या तो आईएनजी ले लो फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर 2+ फर्स्ट फॉर्म के साथ ले लो। 2+ फर्स्ट फॉर्म के साथ लेते हो तो 8 से शुरू करोगे तो सब्जेक्ट 8 हो जाएगा, और अगर आईएनजी से शुरू कर रही हो तो आईएनजी वाला वर्ड ही सब्जेक्ट है, जैसे इसमें और दिया होगा मैंने। हाँ, तैरना सेहत के लिए अच्छा है, स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, या इट इज वेरी गुड टू स्विम, फॉर हेल्थ इट इज वेरी गुड टू स्विम, तो इट इज वेरी गुड टू स्विम इट, ऐसे ध्यान दो, स्विमिंग इज वेरी गुड। फिर झूठ बोलना पाप है, तो टेलिंग लाइज इज अ सिन, है ना, या इट इज बैड, या इट इज अ सिन टू टेल लाइज, इट इज अ सिन, सिन होता है पाप, इट इज अ सिन टू टेल अ लाइ, झूठ बोलना। तो मैंने 8 से शुरू किया तो 2 टेल, झूठ बोलना बोलना या टेलिंग लाइज इज अ सिन, आप कैसे भी बोल सकते हो, समझ आया ना। उसके बाद एक और है, ध्यान देना, जिसमें जैसे ये तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा सीधा, आशा है मतलब उम्मीद है, तो इसको तो फिर सीधा सा हमें लर्न करना पड़ेगा, इट इज होप्ड। बाकी थोड़ा आगे बढ़ोगे ना मेरे साथ तो फिर ये नहीं रखना पड़ेगा कि इट इज होप्ड कैसे बन गया, इसकी भी ग्रामर है। अभी तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसको इट से शुरू करो, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस इट से शुरू होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, लगता है, देखिए लगता तो है वो पास हो जाएगा, बाकी आई कैन नॉट से यू नो, तो जब मैंने ये बोला लगता है तो इट से शुरू होगा, इट सीम्स, बात फिर वही आ गई ना कि यहाँ पे इट से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लर्न करो, इस पर्टिकुलर केस को लर्न कर लो, आशा है लगता है इस केस को लर्न कर लो, फिर धीरे धीरे खुद को समय के साथ लगेगा। हाँ, और तो कुछ बन ही नहीं सकता। कब लगेगा पता है? जब आपको देयर बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ये आपको या तो इट में होगा और देयर के साथ होगा, तो जब आपको देयर कूल हो जाएगा ना, आपके लिए कूल मतलब बहुत आसान हो जाएगा, तो फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सही तो शुरू होना चाहिए ऐसे। तो जैसे एक है, दुख है ना, अफसोस है मुझे आपके साथ ऐसा हुआ, कुछ भी, तो इट इज सैड, इट इज रिग्रेटेड, कुछ भी, तो इट से शुरू होगा, इसमें भी इट से ही शुरू होगा, असली बात ये सी। तो ये है सारे केसेस सब्जेक्ट ढूंढने के, जिसमें पहला था जो काम कर रहे हैं, दूसरा था जिसके होने के बारे में बात हो रही है, तीसरा था जिसके पास कुछ है, फिर आ गया जिसमें वो मौसम और टाइम की बात हो रही है, फिर आ गया देयर के यूजेस, फिर आ गया कुछ करना, और फिर आ गया ये वाले जो सीधे सीधे देखने पड़ेंगे आपको। अब इसके बाद मेरे नोट्स में आप देखोगे एक्सरसाइज है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसमें 10 सेंटेंसेस है, तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगी तो मैं उनके आंसर्स दूंगी, मैंने बुक में आंसर्स नहीं दिए, मैंने बस एक्सरसाइज करने को दे दिए, तो नेक्स्ट लेक्चर को सुनने से पहले आप वो 10 जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं उनका होमवर्क कर लेना, और फिर वो सेकेंड लेक्चर को देखना जिसमें उसके आंसर्स आ जाएंगे, तो फिर आपको चेक हो जाएगा कि आप इट देयर और जितना भी मैंने अभी सिखाया उसको कितना समझ पाए। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा तरह के एक्सरसाइजेज हैं, इट्स अ वंडरफुल बुक जो बहुत ज्यादा मेहनत से मैंने बनाई है, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कमाल कर सकते हो। और अब आप अगर कुछ सीखे हो तो जब भी कोई कुछ बोल रहा होगा तो आपका दिमाग जाएगा, अच्छा इसने इसलिए यहां से शुरू किया, इस केस में यही सब्जेक्ट बनना चाहिए था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी कर रहे हो वो इंग्लिश में करो, नहीं कहा तो कह रही हूं कि जो भी करो इंग्लिश में करो। अब
पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कहीं पे कुछ पढ़ा, किसी से कुछ सुना, उसके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, और आज की क्लास के बाद क्या ढूंढो सब्जेक्ट कि इसने किससे स्टार्ट किया। आई वॉन्ट टू नो ये कौन सा केस है जो मैम ने सिखाया, इसमें से कौन सा केस है। तो उससे आपको लगेगा वाओ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगले लेक्चर में मैं वर्ब पे आ जाऊंगी। मैंने कहा ना सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो अब हम वर्ब की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये वर्ब क्या होता है ये तो सीखना है, बट अगले लेक्चर में सीखना है, भाग नहीं सकते हम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे एवरीबॉडी, प्लीज डू इट नाइसली। अगले लेक्चर से पहले ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपके, जिससे कि, और पता क्या, जब मैं वर्ब सिखा रही होंगी फिर से सेंटेंसेस ले रही होंगी, फिर से सब्जेक्ट आ रहा होगा, तो जो पुराना हम पढ़ रहे हैं वो एज इट इज फिर से रिवाइज होता रहेगा। हाउ वंडरफुल इट विल बी, राइट? ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, सी यू।